हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। भाई मैं किसी काम से हिसार से बाहर जा रहा था और मेरे साथ सिद्धार्थ और हर्षल भी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई, सुमित भी कई दिनों से कह रहा था भाई आ जाओ एक बार फार्म पे, तो वो तैयार करवा रहा है अपना फार्म, जैसे मैंने पिछली वीडियो पे आप लोगों को अपडेट दिया था। तो मैं सोचा चल भाई आज उसको सरप्राइज़ दे ही देता हूँ, मैं भाई तेरे फार्म पे आता हूँ, देखते हैं भाई। छोटा सा भाई अपना बढ़िया मेहनत तो कर रहा है और इतना बढ़िया, मतलब उसने खुद के दम पे फार्म सेट करने लग रहा है, डॉग फार्म। तो मैं सोचा क्यों ना चलते हैं। फिर पहले मैं आपको एक बार ये व्यू दिखा देता हूँ, देखो भाई उसके घर के आगे का व्यू है, बढ़िया खेत तो अपन मेरे को पसंद है ही, आप सबको पता ही है। और ये रहा उसका फार्म तैयार होने लग रहा है, ये वो रहा सुमित और सिद्धार्थ खड़े हैं उधर, और ये दिखा रहा ये वाले रूम तो उसने बनवा दिए हैं, और यहाँ पे और तैयार हो रहा है, ये यहाँ पे पार्क सा बनेगा और वहाँ पीछे इसका घर है, ये वाला पोर्शन है, इसमें एक अंदर कैनल है। तो चलो चलते हैं अंदर, मिलाते हैं भाई सिद्धार्थ और से, और सिद्धार्थ से मिलाता हूँ, हर्षल से मिलाता हूँ, सुमित से भी मिलाता हूँ। जस्ट अभी पहुँचा हूँ मैं सोचा मैं इंट्रो करना भूल गया, पहले इंट्रो कर लूँ और फिर आपको मिलाऊँगा। अरे अपने हरियाणा की शान बफेलोज भाई, हम मैस बोला कर रहे हैं, मैस इनती है, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ बोलते हैं, मज बोलते हैं शायद पंजाब में इसे, अगर बताना पंजाब से जो है वो बताना क्या बोलते हैं इन्हें बफेलोज को। चल मैंने वो तो बता ही दिया, भाई ने बुला रखा था कई दिन हो गए थे तो मैं आ गया। मैं बता उस तरफ क्या बनाने लग रहा है? वो डॉग फार्म बना रहे हैं डॉग्स के लिए, अलग सेपरेट सब कुछ उनके लिए। उसमें होगा क्या, जैसे तुमने ये वाला जो पोर्शन है जो नया सा दिख रहा है आपको, ये गेट है, इधर से तो इसका कैनल स्टार्ट हो गया, अंदर इसने कैनल बनाया हुआ है, तो जो उधर तैयार कर रहा हो क्या है उधर? तो एक तो शाम को बाहर निकालने के रंथ हो है कि नेचुरल हवा में घूम सकते हैं बच्चे बड़े डॉग आराम से। अच्छा अच्छा ठीक है। उसके आगे एक पार्क बनाएंगे, एक स्विमिंग पूल बनाएंगे। स्विमिंग पूल बनाएगा? पूछा मेरे से भाई इसने, मैं कहा भाई बनवाओ तो बनवा ही ले। मैंने और एक जैसे पुराने टाइप में हट नहीं हुआ करती थी राजस्थान की साइड से बहुत चलती है, एक वो हट लगाएंगे, कोई भाई बाहर से आए रिश्तेदार या कोई भी आके वहाँ बैठे एक बार आराम से, बढ़िया सा माहौल, नेचुरल सब कुछ, पुराने यादें। मारा भी नाम लिख लिया होगा तब। डेफिनेटली भाई वैसे भाई भाइयों के बेस पे ही है। वैसे भाई वैसे यहाँ पे नहर भी है इसके घर के जब आगे ही है, तो स्विमिंग वगैरह यहाँ भी हो सकती है और कोई गहरी नहीं है, बट फिर भी सेपरेट बनवाने में फायदा है क्योंकि छोटे बच्चे भी होते हैं ना और उनकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने देखा होगा थोर को मैं कितनी बार लेके जाता हूँ स्विमिंग के लिए। एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए, मैंने बताया नहीं था रचित को, बट सरप्राइज ले रहा हूँ। देखो सही बताने में क्या मजा है। हाँ तो फिर देखा पसंद होगा, देखते है क्या सरप्राइज है। किसके बच्चे हो रहे हैं? मेरे डॉग के लंबाज ब्रावो। वो यार इसका मूवी देखो यार, देख सही रिंकल रिंकल सही है इसके। और क्या मेल है ये? हाँ मेल है। फीमेल? नहीं फीमेल नहीं है, चारों मेल है। थोड़ा देख किस्मत देख ली, पर फीमेल बहुत अच्छी होती है यार। अब मैं जैसे अगर कल को कोई और डॉग लेऊंगा ना तो 100% मैं फीमेल ही लेऊंगा, क्योंकि फीमेल के भी बहुत फायदे हैं। नहीं भाई बिल्कुल भाई, फीमेल से बढ़िया कुछ नहीं है, मेल तो थोड़ा अकड़ू भी हो जाता है कई बार, बट फीमेल बहुत बढ़िया घर में, बस ट्रेनिंग वगैरह दे और बढ़िया जैसे थोर को देता हूँ मैं। हाँ बेटी अच्छा प्यारे बच्चे आ रहे थे, जैसे कई अनलोन पर्सन है जिनको पता नहीं अबाउट डॉग्स के बारे में, या जो नए नए कस्टमर है फैमिली मेंबर, वो कहते हैं भैया रोड वाइलर के बाद क्या पहचाने हम, कई फोन आते हैं कहते हैं भैया रोड वाइलर पहचाने, कहते देखो जी ऐसा है कलर मार्किंग ब्लैक एंटेन आता मैं पकड़ता हूँ कैमरा इस टाइम। रोड वाइलर में सिर्फ एक ही कलर होता है ब्लैक एंटेन, और कोई कलर है तो आप वहीं से खत्म हो जाओ। देखो पोज देखो, इसके स्लोप देखो 40-60 का, ईयर सेटिंग स्लोप तो देखो यहाँ से देखो इसकी फेस कितना बढ़िया है। कुछ लोग बोलते हैं इसे पंच फेस, कुछ हाँ। कुछ बोलते हैं जो सबकी माइंड है, देखो 60-40 रेशियो हाँ, और इसका तो मजल भी मतलब कि वो है चौड़ा है, जैसे कई हाँ। जो पुराने ब्रीड है ना जो पहले रोटवाइलर थे उनका ये आगे थोड़ा पतला होता था,
बट थोर का नहीं है ऐसा मजल। हाँ। चौड़ा थोर का भी चौड़ा मसल मजल है। और ये देख पूरा भाई तगड़ी बॉडी है। कितने दिन के हो गए ये? 40 days के राउंड हो गए भाई। तुम तगड़ा ही सरप्राइज दे दिया। हाँ, एक पपी डीपी लग गया इनको। पपी डीपी लग गया। हाँ। 40 days के हो गए मतलब है? हाँ, 38 days है। 38 days के। ठीक है भाई, ठीक है। तो बहुत प्यारी चीज दिखा दी। हाँ, तुम बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हेड देख लो एक बार। बहुत प्यारा है भाई। हाँ। बहुत प्यारा है। हर्षल कैसा है? पकड़ के देख तू। हर्षल को तो डर लगा है। ना ना, हर्षल पकड़ेगा। हर्षल को हर बार पकड़ा तो मैं। डॉग बढ़िया है, इसका भी डर खुल जाए। कैसा लगा? बहुत क्यूट लग रहा है। ले ले फेरे। रोटवाइलर ही लेगा क्या? पक्का घर क्या रखे गया बात? हाँ। लेऊंगा रोट वाइलर। घर वालों को सरप्राइज देगा, फिर घर वाले इसे सरप्राइज देंगे कि ओले भाई वापिस है। ना ना, अर्सल क्या होगा तो घर वाले मानेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। क्या रखा पहले? क्या रखा? काम हो जाए थोड़ा बहुत। ठीक है भाई, नंबर आने जाता है। ना ना, घर बना रहे नया। अच्छा। वहां जरूरत है भाई। तो प्यारा पपी है भाई ये। देखो पूरे उसमें स्टैक। हां बिल्कुल स्टैक है, जैसे शो में खड़ा होता ना। तो भाई मैं सही में फैन हो गया इस पप्पी का तो सही। और ये सारे अपने आप खड़ा नेचुरल, कोई हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं। बस आराम से खड़ा करके छोड़ दो। और मैंने थंबनेल भी इसके साथ ही लिया, अभी देखा होगा, देख लिया होगा आपने ना। और पंजे शिकारी के पूरे हैवी भाई पंजे। एक मिनट देखना, पूरा हैवी पंजा भाई, पूरे हैवी हैवी बॉल। मेरा हाथ वैसे नॉर्मल से बड़ा है क्योंकि मैं वॉलीबॉल खेलता था, तो उस हिसाब से भी देख सकते हो। अब इसका दिखा, ये छोटे भी है। ये देखो पूरा हैवी पंजा। और इसको सेरालैक चल रहा है, बस यही चल रहा है नॉर्मल डाइट है, क्योंकि गर्मी है ना, ज्यादा दे भी नहीं सकते। गर्मी भी ज्यादा लगती है, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दे के तैयार की। चलिए इनको बाहर निकालते हैं, सारों को इनकी एक्टिविटीज देखते हैं। हाँ बिल्कुल भाई। लो भाई, खेतों में रहते हैं, फायदा बहुत है इस चीज का, खुला मैदान है। देखो मिस हो गया सारा सीन है। क्यों बता? डबल जंप कर गया। देख देख देख, ओ खुला मैदान है। आओ मिट्टी कहाँ जा रहे हैं? इधर आ जा। खुला मैदान है भाई, खुले मैदान में घूमते रहते हैं। और इनकी वैसे पंजे भी बढ़िया रहते हैं ना, नेचुरल मिट्टी के अंदर। हाँ, खेलना कूदना सारा आराम से, मस्ती में घास खा लिया, आराम से घूम रहे अपने नेचुरल। और ये देखो एक बच्चे का कोट, बिल्कुल टॉप। हाँ, इसका कोट अच्छा है। हाँ, प्यारा कोट है भाई इसका। बिल्कुल भाई बिल्कुल, फुरफुरे बाल। चलो एक वो करते हैं, देखो बुढ़का क्यूट कार्ड छोड़, क्यूट नहीं बोलेगा एक तो ना, ब्यूटीफुल बोलेगा। एक शब्द में बताइयो इनकी ब्यूटी, अगर तेरे को डिस्क्राइब करनी है एक वन वर्ड में, सोच ले। कट जाएगी कोई नहीं, जब इसका जवाब आएगा तब डाल दूंगा मैं। सोच, भगवान का दूसरा रूप। बता, सुमित ने तो बोल दिया भाई अपना, तू तेरा बता। ऑसम भाई, क्यूट ब्यूटीफुल, इन चीजों को छोड़ के कहा था मैंने यार। तू चल पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में बोल सकता है, किनको देख के तुझे लग फ्रेंडली है? मैंने देख लिया थोर के साथ में तो फ्रेंडली है, बस अपने अगर अपने साथ में फ्रेंडली है। जो जो अपने भाई तुम्हें एक और बढ़िया बात बताता हूँ। मेरे पे ना स्टार्टिंग में एक वीडियो थी, मैं सिद्धार्थ और शेरविन गए थे डियर पार्क, वो आज मेरे को बताना जरूरी बन रहा है ये बात। तो भाई डियर पार्क गए भाई सुमित, चल तेरे बताऊं तो तेरे नहीं मेरे ये बात। वैसे तू पकड़। हम गए भाई डियर पार्क है ना, और धानसू रोड पे उधर गए हम थे। कौन सी क्लास में सिद्धार्थ? 10th की बात है। 10th गई है ना? 10th नहीं, 11th या 12th थी। 11th होगी, 12th तो नहीं थी, 11th थी भाई। मैं सिद्धार्थ और शेरविन, उस टाइम भाई नई नई वीडियोस डालनी शुरू करी थी, मैंने बताया था ना शेरविन मेरा दोस्त, उसने बताया था कि भाई तू यूट्यूब पे वीडियो डाल। गए हम दानसू रोड पे भाई डियर पार्क में, उस टाइम एंट्री हो गई थी हमारी, अंदर चले गए हम। पहले तो बाहर से ही देखने देते हैं ना मुझे। हाँ। पर हम अंदर गए थे, बहाना मार के गए थे। बहाना मार के कुछ तो बोल रहा था, पर चले गए हम अंदर। चैनल का ही बहाना मार रहा था। तो यूट्यूब चैनल नहीं था वो, लग बात है स्टार्टिंग थी ना। था तो सही। हाँ था। तो भाई हम अंदर चले गए डियर पार्क में। हमारे यहाँ पे भाई 3 species है, एक तो ब्लैक बक है,
जो काला हिरन बोलते हैं जिसे, एक चीतल है और एक सांबर है, तो ये स्पीसीज है वहाँ पे। हमने गेट खोला और वहाँ पे उनका जो केयर टेकर है ना, उसने कहा कि एक चीतल थी वो छोटी सी, वो छोटा सा बच्चा था, और उसको पता है क्या बोलते हैं कि ना, उसका नाम है चमेली। क्या नाम था रे? ऐसे ही कोई पर्टिकुलर नाम था, लेट्स अज्यूम कि उसका नाम चमेली था। उसने आते ही उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करा कि भाई उसका नाम चमेली है, ठीक है। मैंने बढ़िया उसको दिखाया कैमरे में, भाई इसका नाम चमेली है, छोटी सी बच्ची है, कोई छोड़ के चला गया था उसको, और वो उन्होंने ही पाली, वो तो उनके आसपास ही घूमती थी भाई। और इसने बोला कि भाई इसका नाम चमेली है वीडियो में, ठीक है। आगे जाके हम आगे जाके और दिखाने लगे, पहले तो कहता वो काला हिरन को देखिए सिंह मार सका यो भाई, वीडियो चल रही है। और जब इतनी इसने बोली थी, मन्ना नहीं बोली थी, ठीक है, चल किसी ने बोली हो पीछे बोलो देखियो सींग मार देगी। और ओ और भाई हमें पता नहीं था कि भाई मतलब एडिटिंग वगैरह इतनी खास आती नहीं थी उस टाइम, मगर जो रो बन रही है वही डालेंगे। आगे जाके भाई वो हिरण थी ना छोटी सी, वो आगे आगे जैसे बच्चे उसी टाइम ना, वो जैसे ये हिरण है भाई पीछे इंट्रोड्यूस कर दी, वापिस आ गई मेरे पास। मैंने कहा कि एक बार और चमेली को दिखा दो, पीछे से कह रहा इसका नाम चमेली को नहीं। अरे तो उसका जो वो पार्क का ओनर था उसने बोला यार, मैंने दो मिनट भी नहीं भाई, 30 सेकंड पहले तो वीडियो में खुद बोला ये चमेली है, और 30 सेकंड बाद मैंने कहा भाई एक बार और दिखा दो चमेली, कहता ये चमेली को नहीं। मैं कह रहा वाह भाई, तो ऐसी ऐसी मस्तियां होती थी भाई हमारी। तो पहली दूसरी या तीसरी वीडियो थी ना, और उस टाइम शेरविन एडिट करता था, उसने क्या लिखा, स्टारिंग शेरविन संधू, एडिटर शेरविन संधू, और डायरेक्टर भी शेरविन संधू। मैं पूरे मजे लिया करते भाई हम, और वो वीडियोस मेरे को मिलेगी ना मैं पक्का डालूंगा किसी ना किसी व्लॉग में, वो मेरे को मिल नहीं रही, मैंने डाउनलोड करी थी पर पता नहीं कहाँ गई वो। जाते हैं प्यारे प्यारे बच्चे देख के भाई, अगर किसी ने लेने हो तो भाई सुमित तेरा नंबर डालू इंस्टाग्राम डालू? नंबर डाल देना, इंस्टाग्राम पे तो मैं कम ही रहूं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ध्यान नहीं दे पाता। चल ठीक है भाई, मैं इसका नंबर डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किसी को इसके बारे में इंक्वायरी करनी है, या फिर अगर आपने क्या बोलते हैं कोई और मतलब दिक्कत हो डॉग्स के बारे में, कोई भी राय लेनी हो, कोई भी फीडबैक कुछ भी करना हो, कुछ भी फीडबैक देना भी हो, तो भी इसको तंग करना भाई, फोन करो भाई, ठीक है, 24 घंटे हाजिर आप लोगों के लिए, तो इसे कर लेना। आपको मेरा काम पसंद है तो सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दिया करो वीडियो को। इसी के साथ इजाजत दो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।